नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य कला के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के बेसिक्स पॉइंट्स को हम लोग अध्ययन किए थे। उसमें देखे थे कि किस परिस्थिति में मौर्य वंश का स्थापना होता है और किस प्रकार से होता है और कौन कौन प्रमुख शासक थे। ऐसे तो मौर्य वंश में कह सकते हैं कि 9 से 10 शासक हुए थे। 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व के दौरान 9 से 10 शासक हुए, जिसमें हम लोग 3 से 4 शासक के बारे में, मुख्य शासक शासकों के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में मौर्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे और अशोक के शिलालेख के बारे में, मुख्य रूप से अशोक के शिलालेख के बारे में कि कितने शिलालेख थे और कौन कौन से शिलालेख में क्या चीज़ का वर्णन क्या गया था, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि कला में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो कला, मौर्य कला में हम लोग को अभिलेख के बारे में अध्ययन करेंगे और स्तूप के बारे में अध्ययन करेंगे, राजप्रसाद, लोक कला, इन सभी कला के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग का अभिलेख, तो अभिलेख जो है, अभिलेख में हम लोगों को कितना पढ़ना है, तो एक शिलालेख पढ़ना है, एक स्तंभ लेख, एक गुहा लेख। तो सबसे पहले सवाल होता है कि अभिलेख किसे कहा जाता है, अभिलेख क्या है, अभिलेख क्या है। ये अभिलेख जो है पत्थरों पे या कठोर धातुओं पे, पत्थरों पे या कठोर धातुओं पे जब कोई लेख लिखा जाता था तो इसी को अभिलेख कहा जाता है, इसी को अभिलेख कहा जाता था। तो अभिलेख जो है कितने प्रकार के यहाँ पे है, तो एक है शिलालेख, एक है स्तंभ लेख, एक है गुहा लेख। शिलालेख कहने का मतलब हो गया कि पत्थरों पे जो लेख लिखा जाता था उसको शिलालेख कहा गया है। ठीक है, पत्थरों पे जो लेख लिखा जाता था उसको शिलालेख। और स्तंभ लेख जो स्तंभ बना के, स्तंभ मतलब खंभा, स्तंभ बना के उस पर जो लेख लिखा जाता था उसको स्तंभ लेख कहा जाता था। और गुहालेख जो है, गुहालेख में क्या होता है कि गुफाओं में जो लेख लिखा जाता था उसको गुहा लेख कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शिलालेख की। शिलालेख में देखते हैं कि भारत जो है, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन कब शुरू होता है, तो अशोक के शासनकाल में भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो अशोक के द्वारा किया गया था और अशोक के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखते हैं कि शिलालेख का जो खोज होता है तो 1750 ईस्वी में होता है। कब होता है सबसे पहले शिलालेख का खोज, कब होता है, तो 1750 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा इसका खोज किया जाता है, इसका खोज जो है एक व्यक्ति थे पादरेटी फेंथेलर के द्वारा शिलालेख का खोज किया जाता है। कब किया जाता है, तो 1750 ईस्वी में पादरेटी फेंथेलर के द्वारा शिलालेख का खोज किया जाता है। ठीक है, अब शिलालेख पे जो है कौन कौन सी लिपि से लिखा गया है, इसको कब पढ़ा गया, तो इसको जो है पढ़ा गया 1837 ईस्वी में किसके द्वारा पढ़ा गया, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में इस लिपि को शिलालेख पे जिस लिपि से लिखा गया था उस लिपि को पढ़ा गया 1837 ईस्वी में। खोज हुआ कब, खोज होता है 1750 ईस्वी में, और पढ़ा कब जाता है, पढ़ा गया इसका 1837 ईस्वी में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि शिलालेख पे जो लिपि लिखा गया था किस लिपि में लिखा गया था। तो शिलालेख में जो हम लोगों को मिला है उसमें देखते हैं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में लिखा गया है। इन सभी लिपियों में शिलालेख पे लिखा गया था। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि जो है लिखा गया था शिलालेख पे, तो यह शिलालेख कहाँ से मिला है, तो भारत के क्षेत्र से जो भी शिलालेख मिला है उसमें ब्राह्मी लिपि से लिखा गया है। भारत के क्षेत्र से जो भी शिलालेख मिला है उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और उत्तरी एवं पश्चिमी पाकिस्तान से जो प्राप्त शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें क्या किस लिपि का प्रयोग किया गया था, उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। उत्तरी एवं पश्चिमी पाकिस्तान से जिस शिलालेख को प्राप्त किया गया है, जो शिलालेख मिला है उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान क्षेत्र से ग्रीक एवं
ग्रीक एवं अरमाइक लिपि वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। कौन से अभिलेख प्राप्त हुआ है? ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख। ठीक है, अशोक का सर्वाधिक अभिलेख जो है, अशोक का सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में मिलता है? तो अशोक का सर्वाधिक अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में, किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि अशोक का 14 शिलालेख था। अशोक का कितने शिलालेख, शिलालेखों की संख्या कितने था अशोक का? तो 14 शिलालेख, 14। ठीक है, तो 14 शिलालेख को हम लोग देखते हैं कि किस शिलालेख में किस विषय का वर्णन मिलता है, किन शिलालेख में क्या चीज को रखा गया है, क्या चीज का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहला है, पहला शिलालेख में, अशोक का पहला शिलालेख जो है उसमें पशु बलि का निंदा किया गया है। उसमें पशु बलि के बारे में विस्तार से दिया गया है कि पशु का बलि नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बारे में वर्णन हम लोगों को किस शिलालेख के माध्यम से मिलता है? तो अशोक का पहला शिलालेख, अशोक का पहला शिलालेख से पशु बलि का, ठीक है, निंदा किया गया। और दूसरा शिलालेख में, दूसरा शिलालेख में वर्णन किया गया है मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था का, कि मनुष्य के साथ साथ पशुओं का भी चिकित्सा व्यवस्था हो, इसका वर्णन दूसरा शिलालेख में किया गया है। मनुष्य और पशुओं का, दोनों का चिकित्सा व्यवस्था हो, दूसरा शिलालेख में इसका वर्णन किया गया। तीसरा शिलालेख में धार्मिक नियम का वर्णन किया गया, बौद्ध धर्म का धार्मिक नियमों के बारे में इसका वर्णन मिलता है तीसरा शिलालेख में। और उसमें तीसरा शिलालेख में एक और चीज़ है कि हर एक पांचवें वर्ष अधिकारी लोग दौरे पे जाए, ठीक है, अपने साम्राज्य का जो है साम्राज्य के दौरे पे जाए हर पांचवें वर्ष। ठीक, चौथा शिलालेख में है भेरी घोष के बदले धाम घोष को अपनाना चाहिए। चौथा शिलालेख में दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को भैरी घोष के जगह, भैरी घोष के बदले धाम घोष, मतलब कह सकते हैं कि युद्ध को छोड़कर धर्म मार्ग पर चलना चाहिए, युद्ध को छोड़कर धर्म मार्ग पर चलना चाहिए, इसका वर्णन हम लोगों को चौथा शिलालेख से मिलता है। ठीक है, पांचवा शिलालेख में क्या लिखी वर्णन है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति, अशोक के द्वारा धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया गया था, इसका वर्णन पांचवा शिलालेख से मिलता है, पांचवा शिलालेख में किया गया है। ठीक है, और छठा शिलालेख है जिसमें आत्मनियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया है, छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सातवां एवं आठवां, सातवां और आठवां दोनों में अशोक का तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है, अशोक का तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया किस शिलालेख में? सातवां एवं आठवां दोनों में। ठीक, नौवां शिलालेख में क्या चीज का वर्णन है? तो नौवां शिलालेख में भेंट एवं शिष्टाचार का वर्णन किया गया है, भेंट एवं शिष्टाचार का वर्णन नौवां शिलालेख में किया गया है। दसवां शिलालेख है राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के लिए सोचे, राजा एवं उच्च पदाधिकारी जो है, उच्च अधिकारी जो है हमेशा प्रजा के हित के लिए ही सोचे, इसका वर्णन कहाँ है? तो दसवां शिलालेख में है। ठीक, ग्यारहवां शिलालेख में है धर्म की व्यवस्था किया गया है, ग्यारहवां शिलालेख में धर्म की व्यवस्था किया गया है, इसका वर्णन मिलता है ग्यारहवां शिलालेख से। ठीक, बारहवां शिलालेख में है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के बारे में वर्णन मिलता है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के बारे में वर्णन कहाँ से मिलता है, किस शिलालेख में किया गया है? तो बारहवां शिलालेख पे। और तेरहवां शिलालेख है कलिंग युद्ध का, कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक का हृदय परिवर्तन, इसके बारे में वर्णन किया गया है तेरहवां शिलालेख में। 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग के साथ युद्ध होता है अशोक का, और उस युद्ध में बहुत सारे व्यक्ति मारे गए थे और बहुत सारे व्यक्ति को बंदी बनाया गया था, इस स्थिति को देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो तेरहवां शिलालेख में किया गया है, और कलिंग युद्ध का भी वर्णन तेरहवां शिलालेख में किया गया है। ठीक है, 14वां शिलालेख है जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लास्ट शिलालेख जो है 14th, इसमें वर्णन किया गया कि जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए हमेशा उसको प्रेरित करना चाहिए, हमेशा उसको उत्साहित करना चाहिए। तो इस प्रकार से अशोक का 14 शिलालेख को हम लोग अध्ययन किए। अब नेक्स्ट देखते हैं गुहा लेख इसके बाद पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग अष्टम लेख कितने थे? तो अष्टम लेखों की संख्या टोटल सात अष्टम लेख था टोटल, जिसमें से छह अलग अलग जगहों से इसको प्राप्त किया गया, छह अलग अलग जगहों से
या मिला है, ठीक है। और अष्टम लेख का एक खासियत क्या है, अष्टम लेख में सिर्फ ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अष्टम लेख में सिर्फ ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। तो ये छह जगहों से कौन कौन से अष्टम लेख हैं देखते हैं। सबसे पहले प्रयाग अष्टम लेख, क्या है प्रयाग अष्टम लेख, इसको कौसाम्बी का अष्टम लेख भी कहा जाता है। प्रयाग अष्टम लेख को कौसाम्बी का भी अष्टम लेख कहा जाता है, क्योंकि इसको कौसाम्बी से प्रयाग लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, तो अकबर के द्वारा लाया गया था। यह अष्टम लेख जो है, प्रयाग अष्टम लेख जो है आपका कौसाम्बी में था, जो कौसाम्बी से प्रयाग ले आया, कौन ले आया, तो अकबर ने ले आया, ठीक है। इसलिए इसको कौसाम्बी का भी अष्टम लेख कर सकते हैं और प्रयाग का अष्टम लेख भी कर सकते हैं और इलाहाबाद का भी अष्टम लेख कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली टोपरा अष्टम लेख, दिल्ली टोपरा, यह इस अष्टम लेख को फिरोज शाह तुगलक ने, दिल्ली टोपरा अष्टम लेख को फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लाया था, टोपरा से लाया दिल्ली, ठीक है। और एक है दिल्ली मेरठ का अष्टम लेख, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली लाया था, ठीक। नेक्स्ट है रामपुरवा अष्टम लेख, जो चंपारण में है, कहाँ पे है, चंपारण में, बिहार के चंपारण में रामपुरवा अष्टम लेख, 1872 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, ठीक है। दूसरा है इसके आगे लोरिया अरेराज नंदनगढ़, ठीक है। राम देखिए चंपारण में तीन है, चंपारण में रामपुरवा, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़, ये तीनों जो है चंपारण में, बिहार के चंपारण में, ठीक है। और लोरिया नंदनगढ़ का एक खासियत है, इस पे जो है मोर का चित्र बना हुआ है। लोरिया नंदनगढ़ का जो अष्टम लेख है, इस पे मोर का चित्र बना हुआ है, ठीक। अब आगे देखते हैं, एक सारनाथ स्तंभ है, अशोक का सारनाथ स्तंभ, यह कहाँ पे है, वाराणसी में है, यूपी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है अशोक का सारनाथ स्तंभ, ठीक है। इसमें क्या है, सारनाथ स्तंभ में ऊपर में चार सिंह का जो है मूर्ति बना हुआ है, लेकिन इसका खासियत है किसी भी एंगल से उसको देखने पर तीन ही सिंह दिखाई पड़ता है। चार सिंह का मूर्ति बना हुआ है, लेकिन तीन ही सिंह इसमें दिखाई पड़ता है, किसी भी एंगल से देखने से, किधर से कोई भी डायरेक्शन से देखने से तीन ही सिंह दिखाई पड़ता है, ठीक है। और उसके नीचे और चार पशुओं का चित्र बना हुआ है, चार पशुओं का, जिसमें से है कौन कौन, एक है आपका घोड़ा, हाथी, सिंह, बैल, इन चारों पशुओं का चित्र बना हुआ है, ठीक। और अशोक का जो है राष्ट्र चिन्ह, हम लोगों का जो है भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक चक्र, वो सारनाथ से ही लिया गया है, सारनाथ के स्तंभ से ही लिया गया है, ठीक है। अशोक का भारत का राष्ट्र चिन्ह जो है आपका अशोक चक्र, इसको कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ स्तंभ से, अशोक का सारनाथ स्तंभ से। और राष्ट्र अशोक चक्र में कितने तिलियां होती है, तो 24 तिलियां होती है, कितने तिलियां, 24 तिलियां, ठीक है। इसके आगे है 24 तिलियां हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुहालेख, गुहालेख क्या होता है, गुहालेख, गुहा मतलब होता है गुफा, गुफाओं में, गुफाओं के दीवार में जो लेख लिखा जाता था, इसी को गुहालेख कहा गया है, ठीक है। गुफाओं के दीवारों पे जो लेख लिखा जाता था, उसको गुहालेख कहा गया है। तो गुहालेख में जो है देखते हैं कि अशोक के द्वारा कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कहाँ पे करवाया गया था, तो गया जिला के बराबर पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के व्यक्तियों को रहने के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। तो उस गुफाओं का क्या क्या नाम दिया गया है, तो उस गुफाओं का नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और अशोक का पोता कौन था, तो दशरथ था। दशरथ के द्वारा भी गुफाओं का निर्माण करवाया गया है नागार्जुन पहाड़ी में, नागार्जुन पहाड़ी पर है, ठीक है। अशोक के द्वारा, अशोक का पोता दशरथ के द्वारा, ठीक। इसके आगे हम लोग देखते हैं स्तूप, स्तूप जो है, स्तूप में क्या है, कौन कौन स्तूप है, सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है, और एक है भरहुत का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। या किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, स्तूप भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऐसे तो मौर्य काल का जितने भी कला जो है सब बौद्ध धर्म से ही अधिकतर संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक ने, इसमें बौद्ध ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाया था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार
अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक, आगे है राजप्रसाद कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पाटलिपुत्रा में एक विशाल भवन का निर्माण करवाया गया था, 80 स्तंभ का, मतलब 80 पिलर जिसको खंभा कहते हैं, 80 खंभा का एक विशाल भवन का निर्माण करवाया गया था जिसमें पत्थर और लकड़ी का प्रयोग किया गया था, पत्थर और लकड़ी का प्रयोग किया गया था। 80 स्तंभ का ये विशाल भवन था, पत्थर एवं लकड़ी का इसका इसमें प्रयोग किया गया था। ठीक, दूसरा है लोक कला, लोक कला में क्या अक्ष एवं अक्षनियों का मूर्ति, अक्ष एवं अक्षनियों का मूर्ति लोक कला के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इससे मुख्य बिंदु कुछ है, मौर्य वंश का मुख्य बिंदु है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें है कि आजीवक संप्रदाय जो है, बिंदुसार हम लोग अध्ययन किए थे कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो आजीवक संप्रदाय का जो है संस्थापक कौन था, मखली गोसाल, कौन था, मखली गोसाल। ठीक, और एक हम लोग अभी पढ़े खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि का क्या खासियत है, यह दाएं से लिखने, इधर से शुरू होता है इधर की ओर बढ़ता है, बाएं की ओर, दाएं से बाएं लिखा जाता है। ठीक, और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाहिने की ओर। ठीक, कौसाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख, कौसाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता था, रानी का अभिलेख। और सबसे लंबा अभिलेख किसको कहा गया, तो सातवां अभिलेख को सबसे लंबा अभिलेख कहा गया है। ठीक है, और इसके आगे है सबसे छोटा अभिलेख किसको कहा जाता है, तो सबसे छोटा अभिलेख रूमी देवी के अभिलेख को सबसे छोटा अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, और आगे है कि अशोक हर एक दसवें वर्ष, अशोक दसवें वर्ष में बोध गया का यात्रा किया था और बीसवें वर्ष में लुम्बिनी का यात्रा किया था। बौद्ध धर्म का दीक्षा लेने के बाद दसवें वर्ष बोध गया का यात्रा किया था और बीसवें वर्ष लुम्बिनी का यात्रा किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अशोक जो है स्वयं को सम्राट कहा है, अशोक स्वयं को सम्राट कहा है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो भाबरू अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है कि अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। ठीक है, और इसके आगे है तृतीय बोध संहिति का किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। ठीक, और आगे है धम्मात्रा का मतलब हो गया बौद्ध तीर्थस्थल, धम्मात्रा मतलब बौद्ध तीर्थस्थल। ठीक, नेक्स्ट है मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, मयूर, मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह मयूर था। और मौर्य काल में जनता की भाषा क्या थी, तो पाली थी, जनता की भाषा पाली थी। और मौर्य काल में उच्च शिक्षा केंद्र कहाँ था, तो तक्षशिला था, मौर्य काल में उच्च शिक्षा केंद्र कहाँ था, तो तक्षशिला था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने मौर्य कला के बारे में पढ़े,